फलस्तीन इन दिनों जंग का मैदान बना हुआ है। कल इसराइल की जानिब से एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद फलस्तीन में हलाकतों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी के अलग अलग हिस्सों पर इसराइली जंगी तैयारों के हमलों में मजीद 6 फलस्तीनी शहरी शहीद और कई जख्मी हो गए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत ने गजा पर हमले के नतीजे में एक शहरी की हलाकत और 4 दीगर के जख्मी होने का ऐलान करते हुए तस्दीक की कि मुतासरीन को गजा के अलशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया गया है। वजारत सेहत ने बताया कि कल सुबह से अब तक होने वाली जारहियत में मरने वालों की तादाद 21 हो गई है, जिनमें 5 बच्चे और 4 खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों की तादाद 64 हो गई है। ज़राए के मुताबिक काबिज़ फ़ौज के तैयारों ने कल दोपहर से शाम तक 50 से ज़ायद हमले किए, जिनमें से बेशतर गजा की पट्टी के अलग अलग इलाकों में ज़रई ज़मीनों में किए गए हैं। उधर इसराइल के शहर तेल अबीब के बिन गुरियन एयरपोर्ट को फलस्तीनी मज़ाहमत की ग्रोहों के मिज़ाइल हमलों के बाद बंद कर दिया गया है। इसराइली मीडिया के हवाले से रिपोर्ट दी गई है कि तेल अबीब में खतरे के सायरन बजने और सिक्योरिटी सूरत हाल के बिना पर बिन गुरियन एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली तमाम परवाज़ों को रोक दिया गया। बाज़ ज़राए ने इसराइली कॉलोनियों पर मज़ाहमती ग्रोहों के हमलों में कई सिहोनियों के ज़ख्मी होने की खबर दी है। फलस्तीन की समा न्यूज़ एजेंसी ने भी खबर दी है कि इसराइल के रेशोन लत्सियोन शहर नहाल और सिहोनी कॉलोनी और पालमकेम एयरबेस में खतरे के सायरन की आवाज़ें सुनी गई। दरियासना इसराइली हुकूमत के एक टीवी चैनल ने रिपोर्ट दी है कि फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान तकरीबन 100 रॉकेट और मिज़ाइल मकबूजा इलाकों पर फायर किए। इसराइली हुकूमत के मीडिया ने भी रिपोर्ट दी कि अब तक तकरीबन 26 मिज़ाइल इसराइली कॉलोनियों की जानिब फायर किए जा चुके हैं। كلهم بطاردوا اشردوا اشردوا ايوه ايوه بس عباد على المليان बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तियाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए
चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।